केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना पूरे देश में फैलती जा रही है। हर प्रदेश में इस योजना पर काम चल रहा है। सरकार की यह योजना वोट बैंक में बदलती जा रही है। इस योजना ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिलाया था, इसीलिए सरकार इस योजना के तहत गरीबों के चूल्हे तक पहुंचना चाहती है और चूल्हे का रास्ता पेट तक पहुंचता है, इसीलिए इस योजना को पूरी तरह से लागू करने में सरकार जुटी है। लेकिन गैस कनेक्शन के नाम पर ऑयल कंपनियां लूट रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिए 28,53,000 गरीब महिलाओं के बीच मुफ्त में एलपीजी गैस और चूल्हा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण उज्ज्वला योजना 35% यानी कि 11,00,000 महिलाओं को ही एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ मिल सका है। गैस कनेक्शन देने के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से 500 से 1700 रुपए वसूले जा रहे हैं। सुझाव है सर कि अभी बोल रहे थे मेरे भाई साहब की दो आधार कार्ड, तो अभी बता रहे थे सर कि दो आधार कार्ड में नहीं एक आधार कार्ड, लेकिन एचपी जो है एचपी का जो कनेक्शन है वो एक आधार कार्ड में भी दे रहा, परंतु इंडियन ऑयल का बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है, वो दे नहीं पा रहा। तो मैं आग्रह करूंगा इंडियन ऑयल से भी वो इसको क्लियर करे डाटा में कि एक आधार कार्ड पे हो जाए। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की मिली भगत के चलते पैसे लेकर गैस देने की शिकायतें आ रही हैं। इसे केवल 20 सूत्रीय के प्रखंड अध्यक्षों की ओर से ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी स्वीकार कर रहे हैं। उस समय भी हमने कहा था इंडिविजुअल कहीं गैस कनेक्शन नहीं लगेगा, इसको नोट कर लो, कैंप लगाकर जो गोड्डा में हो रहा कैंप लगाकर वो ऑर्गेनाइज करेगा प्रखंड 20 सूत्री और वहां के प्रशासन के लोग, ये जो शिकायत आ रही। वहीं ऑयल कंपनियों के अधिकारी बताते हैं कि जांच में कोई भी गड़बड़ी सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेल कंपनियां इस उज्ज्वला योजना के बारे में पूरे जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रही हैं। इनफैक्ट हर जगह पर जैसे दुमका, पाकुड़, ये सब जो पिछड़े जिले हैं वहां पर हमारा उज्ज्वला रथ भी चल रहा है, जिसमें कि ये हर जगह बहुत ही क्लियरली प्रचार किया जाता है कि ये योजना बिल्कुल मुफ्त है, इसमें किसी को भी एक पैसा भी नहीं लेना है ना देना है। हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट अगर कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे, और ऐसे भी हम लोगों ने ये चीज़ बोल रखा है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा सूचना मिले तो वहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इमीडिएटली उसके अगेंस्ट FIR करें। झारखंड में एलपीजी गैस के साथ ही मुफ्त में गैस कनेक्शन के साथ पहली गैस रिफिलिंग भी झारखंड सरकार के सहयोग से निशुल्क की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत झारखंड के दुमका से की थी। झारखंड में ही जनता को ठगा जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन बेईमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है या नहीं। अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अधूरा रह जाएगा, उन गरीबों तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं पहुंच पाएगा जो इसके हकदार हैं।